सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हो भाई, अपनी टाटा नेक्सॉन जो है सर्विस सेंटर के अंदर खड़ी हुई है, क्योंकि भाई उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी और साथ ही उसकी फोर्थ सर्विस भी थी। तो भाई फ्राइडे को मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी और आज 3 से 4 दिन हो चुके हैं गाड़ी को, और आज मैं जो है सर्विस सेंटर जाने वाला हूँ और देखता हूँ भाई अपनी गाड़ी के अंदर जो है काम कितना हो चुका है, क्योंकि भाई उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ था हमें। तो भाई अभी फिलहाल चलते हैं ZX सर्विस सेंटर और देखते हैं भाई अपनी गाड़ी का जो है कितना काम हो चुका है। तो भाई आज ना मैं है ना दूसरे वाले रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट वगैरह पकड़ जाता है, और मैं भी इसी तरफ आया था सुबह सुबह, कुछ काम था मेरे को, तो मैं यहीं से निकल गया भाई अपने जो है सर्विस सेंटर के लिए। बाकी भाई रोड बड़े तगड़े तगड़े हमारे यहाँ के। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ ZX सर्विस सेंटर। तो भाई ये खड़ी अपनी नेक्सॉन, जिस पर भाई अभी काम जो है चालू है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी भाई हमारी गाड़ी में जहाँ जहाँ रस्टिंग आ रही थी वहाँ पे इन्होंने जो है पेंट वगैरह कर दिया है। जैसे भाई दोनों लाइट के पास यहाँ पे जो है रस्टिंग आ रही थी, तो दोनों लाइट के पास इन्होंने प्रॉपरली जो है पेंट कर दिया गाड़ी, और साथ ही भाई अपनी गाड़ी के 4 डोर्स पे भी रस्टिंग आई हुई थी, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ढंग से पेंट हुई है नहीं हुई है। तो भाई नीचे की तरफ इन्होंने पेंट तो कर दिया है, लेकिन ये जो कवरिंग है इस पर भी इन्होंने जो है पेंट का स्प्रे मार दिया है। बाकी भाई हमारे डोर्स पर कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे अभी उन्होंने पेंट नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पे भाई थोड़ा छोटा हुआ है, यहाँ पे भी रस्टिंग आ रही है, और जो आगे का वाला डोर है यहाँ पे भाई इन्होंने प्रॉपरली जो है पेंट कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के रियर में, क्योंकि भाई गाड़ी के बूट में काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग आई हुई थी अंदर की तरफ से, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि वहाँ से जो है पेंट हुआ है या नहीं। और जो बाकी के डोर है जिन पे पेंट हो चुका है उन्हें एक साथ साथ भाई कवर भी करते हुए चल रहे हैं। तो अभी हमने गाड़ी के बूट को ओपन कर लिया है, और जो भाई रस्टिंग आई हुई थी वो यहाँ पे आई हुई थी स्पॉइलर के पास, जहाँ पे इसके नट होते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग आई हुई थी, तो यहाँ पे इन्होंने जो है प्रॉपर इसको है पेंट कर दिया है। बाकी भाई गाड़ी तो अच्छी तरीके से पेंट हो चुकी है, और अब देखते हैं भाई इसमें रस्टिंग की दिक्कत दोबारा आती है या नहीं आती है। साथ ही भाई जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी वहीं पे एक और नेक्सॉन खड़ी थी, जहाँ भाई इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और भाई देखो गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा जो है मेजर इम्पैक्ट आया, लेकिन भाई गाड़ी के इंजन तक भी जो है डैमेज नहीं आया इस गाड़ी में। तो भाई ऐसे ही टाटा नेक्सॉन को 5 स्टार नहीं मिले हुए हैं भाई, लोहा जो है टाटा वालों ने भर भर के लगा रखा है इस गाड़ी के अंदर। तो भाई रस्टिंग की प्रॉब्लम तो हो चुकी है ख़त्म, और अब जो प्रॉब्लम बची है वो है भाई गाड़ी की सेंटर लॉकिंग की, जो कि ख़राब हो चुकी है, लेकिन भाई हमारी गाड़ी अभी वारंटी के अंदर है, तो ये हमारी जो है फ्री चेंज होने वाली है। तो भाई हमारी गाड़ी आज हमें मिलने वाली तो है नहीं, तो हमें 1-2 दिन के लिए और छोड़नी पड़ेगी हमारी गाड़ी यहाँ पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।